हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएचएल मोटिवेशन में। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव नामक स्थान पर 3 जनवरी सन 1831 को हुआ। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले स्वयं एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। बाद में सावित्रीबाई ने ही दलित समाज की ही नहीं बल्कि देश की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति तक नहीं थी। इस रीति को तोड़ने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने सन 1848 में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। यह भारत में लड़कियों के लिए खुलने वाला पहला स्त्री विद्यालय था। सावित्रीबाई फुले स्वयं इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने न केवल लोगों की गालियां सही बल्कि लोगों द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों की मार तक झेली। स्कूल जाते समय धर्म के ठेकेदार व स्त्री शिक्षा के विरोधी सावित्रीबाई फुले पर कूड़ा करकट, कीचड़ और गोबर ही नहीं बल्कि मानव मल मूत्र भी फेंक देते थे। इससे सावित्रीबाई के कपड़े बहुत गंदे हो जाते थे, इसलिए वो अपने साथ एक दूसरी साड़ी भी साथ ले जाती थी जिसे स्कूल में जाकर बदल देती थी। इस सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी व स्त्री शिक्षा का कार्य जारी रखा। स्त्री शिक्षा के साथ ही विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी शुरुआत की और सन 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनवाया। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। आज देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए उस समय कन्या शिशु हत्या की समस्या पर और उसे रोकने का प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। विधवाओं की स्थिति को सुधारने और सती प्रथा को रोकने व विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर काशीबाई नामक एक गर्भवती विधवा महिला को न केवल आत्महत्या करने से रोका बल्कि उसे अपने घर पर रखकर उसकी देखभाल भी की और समय पर डिलीवरी करवाई। बाद में उन्होंने उसके पुत्र यशवंत को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया और खूब पढ़ाया लिखाया, जो बाद में एक प्रसिद्ध डॉक्टर बना। सावित्रीबाई फुले ने 2 काव्य पुस्तकें लिखी, पहली काव्य फूले और दूसरी 52 कशी सुबोध रत्नाकर। सावित्रीबाई फुले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जीवन काल में पुणे में ही उन्होंने 18 महिला विद्यालय खोले। सन 1854 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने एक अनाथ आश्रम खोला। यह भारत में किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया पहला अनाथ आश्रम था। साथ ही अनचाही गर्भावस्था की वजह से होने वाली शिशु हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी स्थापित किया। समाजस्थान के अपने मिशन पर कार्य करते हुए ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को अपने अनुयायियों के साथ सत्यशोधक समाज नामक संस्था का निर्माण किया। वे स्वयं इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अति शूद्रों को उच्च जातियों के शोषण से मुक्त कराना था। ज्योतिबा के कार्य में सावित्रीबाई ने बराबर का योगदान दिया। ज्योतिबा फुले ने जीवन भर निम्न जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने जो योगदान दिया वह अद्वितीय है। यहाँ तक कि कई बार ज्योतिबा फुले स्वयं अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के साथ ही सावित्रीबाई फुले ने भी सत्यशोधक समाज को दूर दूर तक पहुंचाने, अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के अधूरे कार्यों को पूरा करने व समाज सेवा का कार्य जारी रखा। सन 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैला। प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए सावित्रीबाई फुले स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च सन 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया।
उनका पूरा जीवन समाज में वंचित महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए संघर्ष में बिता। उस जमाने में ये सब कार्य करने इतने सरल नहीं थे जितने आज लग सकते हैं। अनेक कठिनाइयों और समाज के प्रबल विरोध के बावजूद महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने वो उन्हें शिक्षित तथा रूढ़ी मुक्त करने में सावित्रीबाई फुले का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो मैं हर समय आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।